आवश्यक सूचना: YouTube चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने, सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चरक कंपनी के सारे कैप्सूल्स के बारे में, और गाइस साथ ही हम जानेंगे उनके यूजेस के बारे में। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट कैप्सूल है जिसका नाम है चरक एंडोटोन कैप्सूल। ये कैप्सूल एंडोमेट्रियोसिस की समस्या में यूज़ किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या होती है जिसमें यूटेरस की लाइनिंग के समान टिश्यूज यूटेरस के बाहर बढ़ने लगते हैं। तो गाइस, इसके आगे हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक एडिजोई कैप्सूल। ये कैप्सूल मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत मदद देता है, और गाइस ये कैप्सूल स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इन्हेंस करने में भी बहुत मदद करता है। गाइस, इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि है चरक साइटोजेन कैप्सूल। ये कैप्सूल लीवर फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, नौजिया से, वॉमिटिंग से और फैटिक से राहत दिलाता है, यानी कि उल्टी, मतली और थकान से ये राहत दिलाता है, और साथ ही लीवर की हेल्थ को मेंटेन करने में ये कैप्सूल बहुत ही मदद करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक आर्जुनिन कैप्सूल। ये कैप्सूल ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, साथ ही कार्डिक मसल्स को मजबूती देने में मदद करता है, और साथ ही ये चेस्ट पेन को कम करने में मदद करता है, और बॉडी की लिपिड लेवल्स को मैनेज करने में ये कैप्सूल बहुत ही मदद करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक इवानोवा कैप्सूल। ये कैप्सूल इनसोम्निया से, मूड स्विंग से और फैटिक को मैनेज करने में काफ़ी मदद करता है, और साथ ही मल्टीपल मेनोपॉज सिम्टम्स से रिलीफ देने में भी ये कैप्सूल काफ़ी मदद करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक अर्टीप्लेक्स कैप्सूल। ये कैप्सूल एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टेरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक जैसे एक्शंस शो करता है, और साथ ही ये ब्लड प्यूरीफायर के रूप में काम करता है। ये ईचिंग से राहत देता है, और साथ ही वुंड हीलिंग यानी कि घाव को भरने में बहुत ही मदद करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक विवाडोना कैप्सूल। ये कैप्सूल एक एंटी स्ट्रेस के एजेंट के रूप में काम करता है। ये स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, फैटिक को कम करता है, और एंजाइटी से राहत दिलाने में ये कैप्सूल काफ़ी मदद करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक लूनारेक्स फोर्ट कैप्सूल। ये कैप्सूल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है, साथ ही ये वीमेंस में हार्मोनल बैलेंस को रीस्टोर करने में काफ़ी मदद करता है। तो गाइस, इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक ओसिक्स फोर्ट कैप्सूल। ये कैप्सूल डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग को रेगुलेट करने में मदद करता है। ये डिफरेंट टाइप की ब्लीडिंग्स को कम करता है, जैसे कि डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग को कम करता है, नोज से जो ब्लीडिंग होती है जिसे हम नकलोई कहते हैं उसमें ये बहुत ही काम करता है, स्टूल पास करने के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसमें ये मददगार होता है, यानी कि मलताक के दौरान जब खून आता है तो उसमें मदद करता है, और यूरिन करते समय और कफिंग करते समय यानी कि खांसते समय जब ब्लीडिंग होती है तो भी ये कैप्सूल बहुत मदद करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि है चरक मैनोल कैप्सूल। ये कैप्सूल एक हर्बो मिनरल पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, और साथ ही ये किसी भी प्रकार की इलनेस से बहुत ही फास्ट रिकवरी करने में बहुत मदद करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक रिच हेल्थ कैप्सूल। ये कैप्सूल एडेप्टोजेनिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीएजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक रिमेनिल कैप्सूल। ये कैप्सूल आर्थराइटिस की समस्या में बहुत मददगार होता है, आर्थराइटिस की समस्या को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी शो करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक साइक्लिस न्यूट्रा कैप्सूल। ये कैप्सूल पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करने में मदद करता है, साथ ही ये हार्मोनल चेंज जब होते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान उसे रेगुलेट करने में भी ये कैप्सूल काफ़ी मदद करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि चरक विगोमैक्स कैप्सूल। ये कैप्सूल स्टेमिना और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में मदद करता है, साथ ही ये मेल्स में वाइगोर और वाइटलिटी को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट कैप्सूल है जो कि है चरक स्कीनेल कैप्सूल। ये कैप्सूल एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, और साथ ही ये उम्र बढ़ने की साइंस को कम करने में, डिले करने में भी मदद करता है। और गाइज, आज का हमारा लास्ट कैप्सूल है जो कि है चरक स्कीनेल न्यूट्रा कैप्सूल। ये कैप्सूल
हेल्दी स्किन को रिस्टोर करने में और मेंटेन करने में बहुत मदद करता है, और साथ ही एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करने में भी बहुत मदद करता है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने बात की चरक कंपनी के कैप्सूल्स के बारे में और साथ ही हमने जाने उनके यूजर्स को। तो गाइस, अगर आपको अपने मेडिकल स्टोर के लिए रैक्स, फर्नीचर, काउंटर या फिर रेफ्रिजरेटर लेना है या देखना है, खरीदना है, तो उन सभी की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आप उन्हें वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चरक कंपनी की बाकी डोजेज फॉर्म के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।